नॉर्थ ईस्ट के 8 में से 6 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी, पीएम का मॉडल और नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ने जो विकास किया है उसके नतीजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। आज की तारीख में आप समझें वो भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट में कहीं नहीं थी, अगर आप साल 2003 का एक अपवाद छोड़ दें तो वाकई में कहीं पर भी नहीं थी 2016 तक पार्टी। लेकिन आज 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी की या तो सरकार है या फिर भारतीय जनता पार्टी आज अलायंस में पार्टनर के तौर पर है। और ये कहते ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फॉर्मूला था कि मेघालय में बीजेपी ने चुनाव से एन पहले सत्ता दिलाने वाली नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी से नाता तोड़ा और अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री 2017 के बाद 47 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मैं देख पा रहा हूँ कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी रैलियां की हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हर 15 दिन में कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री पहुंचता जरूर है। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट का बजट 5,892 करोड़ किया है। 2022-23 के मुकाबले ये 113% ज्यादा है। दरअसल क्या है ना कि अंदर खाने तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हिंदी बेल्ट में जो पकड़ मजबूत है वो बनी रहे और यही इंप्रेशन जाता रहे, लेकिन बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, उसका दबदबा देश के काउ बेल्ट पर है यानी हिंदी भाषी राज्यों में है, हिंदी बाहुल इलाकों में है, और एक नैरेटिव है जिसे बीजेपी भीतर खाने तो बरकरार रखना चाहती है लेकिन खुले तौर पर इसे तोड़ना चाहती है। यही एक वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब देखें असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल रही, मिजोरम और सिक्किम में तनाव है, लेकिन इन दोनों राज्यों में सरकार चला रही पार्टियां बीजेपी की अगुवाई वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा में शामिल हैं। अब पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर आप जाते हैं ना, 2014 में बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट की 32% सीटों पर कामयाबी मिली और 2019 में ये आंकड़ा 56% का हो गया। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल यह है कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम के साथ में जोड़ा जाए। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं 8 राज्य, इन 8 राज्यों के दिल्ली के साथ में दूरी कम की जाए, क्योंकि कल को अगर संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन से आप किसी भी तरह से संविधान में परिवर्तन या संशोधन करते हैं तो वहीं पर नॉर्थ ईस्ट काम आएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में वॉकओवर दे देना कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को, यह वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सोचने की जरूरत है। नमस्ते।